कोविड कोविड मीन्स कोरोना वायरस डिजीज 19 बिकॉज इट इज बीन डिटेक्टेड इन 2019. 13 जन को थाईलैंड कंफर्म्स द फर्स्ट केस आउटसाइड चाइना. फिर 30 जन को इंडिया कंफर्म्स द फर्स्ट केस ऑफ कोविड. 11 फरवरी वायरस इज रेनेम्ड एज सार्स कोविड CoV-1-2 and disease called as a COVID-19. 28 February को WHO regional global risk को declare कर दिया गया. 3 मार्च cases 74 countries में फैल गए. Transmission local transmission 31 countries में हुए. और 17 मार्च कल तक total cases 1,90,926 और 163 countries affected. Divided into 4 genera. अल्फा बीटा डेल्टा एंड गामा. उसमें 4 जेनरास है. अब सबसे ज्यादा जो है अल्फा एंड बीटा जो कोविड है इट इन्फेक्ट्स द ह्यूमंस. 4 SCOVs 229E, NL63, OC43 एंड HKU1 एंडेमिकली ग्लोबली इट इज अवेलेबल. 10-20% अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस आर इन एडल्ट्स. रेयरली एनिमल कोरोना वायरस इवॉल्व एंड इन्फेक्ट द पीपल and then spread between the people. That is earlier जैसे कि SARS 2002 में और MERS 2012. It is more than 5 micrometer. More than 5 micrometer मतलब क्या है कि अगर less than 5 micrometer होता है तो उसके लिए हमको N95 mask की जरूरत पड़ता है. More than 5 micrometer होता है तो हमको N95 की जरूरत नहीं पड़ती है. सिंपल सा जो cloth का mask होता है वो भी काफी होता है. Now this is the disease pattern. अब ये डिसीज पैटर्न में ये है कि माइल्ड इलनेस जो है वो रिकवरी है. इवन दो कॉमन सीवियर और क्रिटिकल केसेस भी है वो भी रिकवरी हो रहे. ऐसा नहीं है कि क्रिटिकल केस सारे के सारे डेथ में जा रहे हैं. डेथ में भी जा रहे हैं पर देयर इज अ प्रोपोर्शन कि इसमें रिकवरी है. ऐसा नहीं है कि क्रिटिकल केस आ गया तो उसमें चांस ही नहीं जीने का. ऐसा भी नहीं है. व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट द सीवियर केस कंपेयर टू अदर इन्फेक्शन अदर लाइक SARS वगैरह है. SARS ट्रांसमिसिबिलिटी 3% whereas severity is 9%. MERS जो सबसे ड्रेडेड था ये ग्रुप में उसका 36% इज सीवियर CFR. उसको कंपेयर करेंगे अगर ये दोनों को कंपेयर करेंगे तो कोविड का कितना है 3.98. सो फैटेलिटी इज लेस. मगर इश्यू क्या हो गया कि SARS के टाइम में और MERS के टाइम में हम लोग सोशल मीडिया में उतने एक्टिव नहीं थे. बराबर. अभी हम लोग सोशल मीडिया में बहुत एक्टिव. तो इसकी वजह से क्या हो गया कोरोना का इन्फेक्शन से ज्यादा कोरोना का डर जो है वो बहुत ज्यादा. इसीलिए हम लोग भी टॉक अबाउट 6 स्टेप्स ऑफ हैंड वॉशिंग. जैसे आपने लिक्विड सोप ले लिया पानी को हाथ से भिगो लिया. फिर स्टेप 1 स्टेप 2 बैकसाइड. स्टेप 3 स्टेप 4 नेल बेड्स. स्टेप 5 स्टेप 6 सिंपल सचेस. हम लोगों ने बहुत सारे बच्चों को सारे स्कूल के बच्चों को सबको सिखाया पर जैसे जैसे वो एज बढ़ते जाता है वी निग्लेक्ट कर. हम लोगों को ये चेन तोड़ना है. अगर मुझे ये तोड़ना है तो मैं यहां पे कहां तोड़ सकता हूं. जहां पे कोटला विजिट है वहां पे तोड़ सकता हूं. या फिर ससेप्टेबल होस्ट है वहां पे तोड़ सकता हूं. पोर्टल ऑफ एंट्री है वहां पे तोड़ सकता हूं. तोड़ने के लिए मेरे पास बहुत जगह है. उसके लिए हम लोग अपने अपना स्ट्रेटजी बनाते हैं. जैसे कि मान लीजिए पोर्टल ऑफ एग्जिट को हमको तोड़ना है तो हम लोग वो पेशेंट को बोलते हैं कि मास्क पहनो डिस्टेंस दूर करो क्वारंटाइन में रहो. ठीक है. अपने जो रुमाल है वो सब प्रॉपरली धोने का ये सब करेंगे तो पोर्टल ऑफ एग्जिट वहां पे खत्म हो गया. फिर पोर्टल ऑफ एंट्री के लिए जो भी बीमार है उससे हम लोग डिस्टेंस मेंटेन करें एक दूसरे से सोशल डिस्टेंसिंग रखें. फिर ससेप्टेबिलिटी को अगर मुझे कंट्रोल करना है तो अपना बॉडी इम्यूनिटी को उसको डेवलप करना है.
ये अगर हम लोग तोड़ देंगे तो ये चाइना ट्रांसमिशन टूट जाएगा, ट्रांसमिशन विल बी जीरो। अगर ट्रांसमिशन कम हो जाएगा, जितना सारा हम लोग स्प्रेड देख रहे हैं कोरोना वायरस में, वो स्प्रेड ऑटोमेटिकली डाउन हो जाएगा। नाउ देयर आर सो मेनी क्यूटीएस, हम लोग जहां हेल्थ केयर में हम लोग यूज करते हैं, देयर आर सो मेनी लाइक फेस मास्क जो नोज और माउथ को कवर करता है, N95 मास्क नोज और माउथ को कवर करता है, फेस शील्ड आता है, गॉगल्स आते हैं, गाउन आते हैं, एप्रोन आते हैं, ग्लव्स आते हैं, हेड कवर आते हैं, दीज आर ऑल अवेलेबल विद द हेड के हेल्थ केयर फैसिलिटीज। बट व्हाई आई एम एडवाइजिंग इस फेस मास्क, ऐसा नहीं है कि आपको दुकान में जाके फेस मास्क खरीदना है, अपने यहाँ पे जो भी कॉटन का कपड़ा रहेगा आप उसको ही मास्क बना के कर सकते हो। कल से वो मेरे साथ में आए मेरे भाई ने, उन्होंने पहना हुआ है, इट इज अ सिंपल कॉटन मास्क, हम लोगों ने हॉस्पिटल में ही बना दिया। अभी अगर आप मास्क खरीदने जाओगे तो पहला चीज है कि मेडिकल में आपको मास्क अवेलेबल नहीं है, सैनिटाइजर भी अवेलेबल नहीं है। अगर मास्क अवेलेबल है तो भी आप 65 पैसे का एक मास्क जो मिलता है वो आपको 20-25 रुपए में बिक रहा है। हालांकि उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक बहुत अच्छा चीज किया कि मास्क एंड सैनिटाइजर को एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में लेके आया। अगर उसका रेट अगर वो बढ़ा के देता है तो ब्लैक मार्केटिंग में आता है। कोरोना वायरस के लिए ऐसा कोई भी दवा नहीं है, नॉट टेस्ट, अभी तक कोई भी दवा ट्रायल में क्लियर कट नहीं हो गया है। तो अल्टीमेटली यहाँ पे प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, यही लॉजिक हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, मतलब उसको स्प्रेड होने से उसको प्रिवेंट कर। और देयर आर सो मेनी मिथ्स आल्सो, मिथ्स ऐसे हैं कि कुछ मैंने वही बात किया था कि पहले सार्स आया, मर्स आया, जिसका केस फैटलिटी रेट था बहुत ज्यादा था, इट इज वेरी हाई, वेरस कोरोना वायरस का जो CFR है वो कम है, पर कोरोना वायरस ने सोशल मीडिया में इतना फैटलिटी कर दिया है कि उसके कंपेयर में सार्स और मर्स पीछे रहे। और वो सोशल मीडिया की वजह से क्या हो रहा है कि देयर आर सो मेनी मिथ्स आल्सो व्हिच आर गोइंग ऑन। एक मिथ ऐसा था कि अल्कोहल पीने से कोरोना नहीं आता, बराबर, अगर आप टीवी में ओपन करके देखोगे तो हर एड के सामने भी उसने कोरोना डालना शुरू कर दिया। डेटॉल का एडवर्टाइजमेंट आता है उसमें भी कोरोना दिखता है, लाइफ बॉय का एड आता है उसमें भी कोरोना दिखता है, तो दे आर मेल्टिंग मनी फ्रॉम द कोरोना। अगर आपको कुछ सवाल है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। और सबसे बेस्ट मैंने लास्ट में एक ही चीज बोला, नमस्ते।